वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम पिछले दो दिनों से अकबर काल के जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं अकबर काल के ही ग्रंथों को आगे। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है ना, पहले उसको जाकर देख लीजिए, फिर आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके पहले आप लोग क्लास को जल्दी से सभी तक शेयर करिए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और देखिए लास्ट में आप लोगों को बताना जरूर है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अकबर काल के जो चित्र हैं या कह दीजिए ग्रंथ हैं, उनको हमने तीन भागों में बांटा। पहला था अभारतीय ग्रंथ, दूसरा था भारतीय ग्रंथ, तीसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। अभारतीय ग्रंथ में क्या था कि जो भारत के बाहर से संबंधित थे चित्रण, उनको यहां पर किया गया था। फिर हमने दूसरे नंबर पे देखा भारतीय चित्रण, इसमें भारतीय ग्रंथों के जो चित्रण थे वो बताया गया था। तीसरा था आपका ऐतिहासिक चित्रण, ऐतिहासिक चित्रण में इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको देखा था, ठीक है। तो हमने तीन जो कैटेगरी बांटी हुई थी उनमें से दो कैटेगरी स्टार्टिंग की, अभारतीय कालीन जो चित्रण है ग्रंथों का चित्रण और भारतीय कालीन चित्रण जो है अकबर काल का, ये दोनों ही हमने आपके जो लास्ट क्लास में दो हुई हैं उनमें पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। ऐसे ही आज हमें तीसरा जो आपका कैटेगरी है ऐतिहासिक कथा पर जो चित्र बने हुए हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऐतिहासिक में कौन कौन से आते हैं पहले इसको देख लीजिए, अकबरनामा, शाहनामा, वाक्यात-ए-बाबरी, फिर आता है आपका तैमूरनामा, फिर आता है तैमूरनामा और फिर है तारीख-ए-अल्फी, ठीक है। तीन चार पांच जो ग्रंथ आपने देखे ये सभी किसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, ये सब हमें ऐतिहासिक कथा पर चित्रण के अंतर्गत हमें पढ़ना है, ठीक है। पिछली जो दो क्लासें हो गई हैं उनको अगर नहीं देखा है ना तो पहले उनको जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से उठा के रख दिया है, ठीक है। चलिए आ जाइए तो समझ लेते हैं, अकबरनामा से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप लोग सभी जान रहे हैं कि अकबर के काल की ये पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। चलिए समझते हैं अकबरनामा के बारे में। तो अकबरनामा में पूछा जाता है किसकी आत्मकथा बताई गई है, तो ये बाबर की आत्मकथा है, अकबर की आत्मकथा है अकबरनामा, ठीक है। किसकी आत्मकथा है इसमें, अकबर की आत्मकथा है अकबरनामा में, ठीक है। चलिए पूछा जाता है इसके लेखक कौन है, अकबरनामा के लेखक कौन है, तो याद रखना है आपको क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, अबुल फजल इसके लेखक है, ठीक है। अब देखिए यहां से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है आपको, यहां से समझिएगा, जो अकबरनामा है इसको तीन पार्टों में बांटा गया है, या कह दीजिए तीन जिल्दों में बांटा गया है, ठीक है, तीन जिल्दों में बांटा गया है। और जो तीसरे नंबर की जिल्द है उसको हम क्या नाम देते हैं, आईने अकबरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आईने अकबरी नाम देते हैं। वही चीज लिखी है कि अकबरनामा की कितनी जिल्दें हैं, तीन जिल्दें हैं और तीसरी जिल्द को हम क्या कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं। समझिएगा, बहुत बहुत कंफ्यूज करती है इधर पे, समझिएगा। हमने क्या किया, अकबरनामा को हमने तीन पार्टों में बांटा, मतलब तीन जिल्दों में बांटा, और जो तीसरे नंबर की है वो है आईने अकबरी, और जो आईने अकबरी है उसको हम फिर से पांच भागों में बांट देते हैं, पांच भागों में बांट देते हैं। और जो स्टार्टिंग के चार भाग होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें अकबर के काल की शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो चार पार्ट हमने देखे उसमें हमें क्या पता चला, अकबर के काल की जो शासन प्रणाली है वो हमें चार पार्टों में स्टार्टिंग में मिल जाती है, ठीक है। फिर लास्ट का चार पार्ट हो गए, एक पार्ट एक लास्ट का बचा, उसमें हमें अबुल फजल की जीवनी समझ में आती है, ठीक है। उसमें क्या वर्णन देखने को मिलता है, अबुल फजल की जीवनी के बारे में पता चलता है। तो हमने क्या बताया, एक बार फिर से सुनिए, अकबरनामा में किसका किसकी आत्मकथा है, अकबर की आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है, अबुल फजल है, और इसको तीन जिल्दों में बांटा गया है, तीसरी जिल्द का नाम क्या है, आईने अकबरी है, और इसी आईने अकबरी के पुनः पांच भागों में विभक्त किया जाता है, पांच भागों में बांटा जाता है,
और जब ये पांच भाग बांट दिए जाते हैं तो स्टार्टिंग के जो चार भाग होते हैं उसमें हमें अकबर के काल की शासन प्रणाली मिलती है और जो लास्ट पांचवा भाग होता है उसमें हमें अबुल फजल के जीवन से संबंधित सारी घटनाएं मिलती हैं देखने को। तो यहां तक हमें उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप लोग देखिए ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चन जब आता है ना तो आप लोग फंसते हैं, 100% फंसते हैं। पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी तीन जिल्दें हैं उसमें से, मतलब ये पूछा जाएगा सीधे कि आईने अकबरी के पांचवें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है या पांचवें भाग में किसका वर्णन मिलता है, तब आप लोग वहां कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया आप सभी को, चलिए आगे। चलिए तो यहां तक क्लियर हुआ ना। देखिए क्लास पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, हो सकता है कि संसाधनों की हमारे पास कमी है बोर्ड वगैरह की, लेकिन कंटेंट बिल्कुल नंबर वन है, अच्छे अच्छों को मात देने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बात करते हैं अकबरनामा में जो चित्र मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलीम के जन्मोत्सव का जो चित्र मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है। ये क्वेश्चन जाने कितने बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सलीम के जन्म वाला चित्र या फिर जन्मोत्सव का चित्र कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो आपको बताना होगा। ये है आपका आंसर, अकबरनामा में मिलता है। अब जन्मोत्सव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बहुत भयंकर तरीके से, जो जो पूछा जा सकता है हमने सारा आपको बताना समझा है। ठीक है, अभी हम समझाते हैं आपको, समझिएगा चित्र किसमें मिलता है अकबरनामा में, कौन सा सलीम के जन्म वाला चित्र है, इसके चित्रकार कौन है, केशु है। कौन है इसके चित्रकार, वो है केशु है। ठीक है, पूछा जाता है कि जो सलीम के जन्म वाला चित्र है इसको संग्रहित कहाँ किया गया है, इसको कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना है इसका संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट लंदन में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब बात करेंगे जो सलीम का जन्म वाला, आप लोगों ने जैसे छोटे बच्चों की आप बुक्स देखेंगे, छोटे बच्चों की या फिर कोई भी देख लीजिए, तो उसमें एक मेन चित्र बना होता है और उसी मेन चित्र को खोल खोल के एक अलग अलग दृश्य दिखाए गए होते हैं। ऐसा ही कुछ इस चित्र के बारे में है कि एक मेन फ्रंट में तो आपका सलीम वाला जन्म का मतलब चित्र दिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा उसी के कुछ भाग जैसे छह पार्टों में चित्र इसके मिलते हैं, मतलब सलीम का जो जन्म वाला चित्र है इसके कितने उपदृश्य हैं या फिर उपचित्र हैं, तो इसमें कितने मिलते हैं, छह उपचित्र मिलते हैं। ठीक है, कितने उपदृश्य मिलते हैं, छह उपदृश्य मिलते हैं। पहले वाले दृश्य में क्या है कि महल है, देखिए सलीम का जन्म हुआ है और ये सलीम का जन्म हुआ है और उसी चित्रण को किसने किया है, केशु ने किया है। ठीक है, अब जो उपदृश्य इसके बनेंगे वो इसी जन्म पे आधारित बनेंगे। ठीक है, जैसे एक महल बना हुआ है उसमें सलीम का जन्म हुआ है। ठीक है, अब उसमें जो उपदृश्य स्टार्ट हो रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ आइए। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आना है। जो महल है, महल के बाहर क्या है, दान देते हुए, क्योंकि बच्चा घर में पैदा हुआ है तो बाहर असरफियां उड़ाई जा रही हैं, तो क्या है, दान देते हुए। महल के बाहर का दान कौन से नंबर के दृश्य में है, पहले नंबर के दृश्य में है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर के दृश्य में महल के बाहर दान को दिखाया गया है। बाहर से थोड़ा सा अंदर आए, बीच जैसे ही अंदर आए तो एक बड़ा सा बरामदा मिलता है। क्या मिलता है, बड़ा सा बरामदा मिलता है। अब बरामदे में क्या है, ढोल वादन हो रहा है, ढोलक बजाए जा रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो दूसरे नंबर में हमें महल में बरामदा में वादन करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए। ठीक है, तो क्या हो गया, महल में बरामदा में वादन करते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अंदर की तरफ आते हैं तो देखा जा रहा है कि जो सलीम बच्चा पैदा हुआ है उसको नहलाया जा रहा है, वहां पर चार पांच स्त्रियां बढ़िया से हंस रही हैं, ठिठौली कर रही हैं। तो ये चित्र हमें कहाँ मिलता है, तीसरे नंबर के उपदृश्य में मिलता है। चौथे नंबर पे आते हैं, थोड़ा और अंदर घुस के जाते हैं तो वहां पर जच्चा बच्चा को दिखाया गया है, मतलब माँ और बच्चे को दिखाया गया है। वो माँ का कमरा है जहां पर वो पैदा हुआ है, जच्चा बच्चा माँ का कमरा।
ठीक है। अब जब अंदर आ गए हैं, अब हम जाते हैं ऊपर छत में, ठीक है। ऊपर हम गए तो ऊपर से हम क्या देख रहे हैं, एक मोर बैठा हुआ है छत पर, गर्दन फुलाए बढ़िया से मोर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके घर में उसके पालतू मोर है, ठीक है, क्योंकि उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बिल्कुल से गर्दन फुलाए, ये ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, कि आपको आसानी से याद हो जाए, छह के छह पूरे इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। तो पांचवें में क्या है, गर्दन फुलाए मोर छत पर, और छठवें नंबर पे जब आप दूर को देखते हैं छत से, तो कहीं मतलब आप लोगों ने ऐसा दृश्य जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा मूवी वगैरह में, कि जहां पर आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको हम क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब छत से ऊपर देखते हैं तो एक ऐसी स्थिति दिखती है, एक ऐसी लाइन दिखती है कि जहां आसमान और जहां धरती एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिख रहे होते हैं, और यही होता है क्षितिज, ठीक है। तो आपको छह पूरे याद रखने हैं, बाहर दान दिया जा रहा है, थोड़ा अंदर आते हैं तो ढोलक वादन चल रहा है, तीसरे नंबर पे आते हैं तो उसको नहलाया जा रहा है, ठीक है, और काफी लोग उसके घेरे हुए ठिठौली कर रही हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं तो जच्चा बच्चा माँ का कमरा में आ जाते हैं, फिर पांचवें में छत में पहुंच जाते हैं मोर के पास में, और छठवें नंबर पे क्या होता है, फिर हम क्षितिज को देख लेते हैं, ठीक है, याद हो गया। चलिए तो यहां से आपके छह उपदृश्य आपको याद हो गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका अकबरनामा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इसके बाहर हमें नहीं लगता है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सारे आपको करवा दिए हैं। चलिए इसमें यह भी याद रखना, ये नहीं बताया है शायद, इसमें जो चित्र है वो 117 चित्र है, कितने चित्र है अकबरनामा में, 117 है, और इसको जो रखा गया है विक्टोरिया लंदन संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है, ये लाइन छूट गई थी शायद बीच में। चलिए तो यहां से आपका अकबरनामा पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, शाहनामा के बारे में बात करते हैं। तो शाहनामा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन चार से पांच फैक्ट आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहला फैक्ट, शाहनामा को किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, फिरदौस। देखो जितना हम बोलते जा रहे हैं ना, छापते जाओ, कमेंट बॉक्स पे लिखते जाओ, जितना ज्यादा लिखोगे उतना जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या है शाहनामा के बारे में, इसको किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। दूसरा, फिरदौसी को क्या कहते हैं, पूर्व का होमर कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व का होमर किसको कहते हैं, किसको, फिरदौसी को कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, शाहनामा लिखा है, ठीक है। चलिए पूछा जाता है शाहनामा में, पूछा जाता है शाहनामा में जो है किसका चित्रण मिलता है, मतलब किसके बारे में बताया गया है। तो यहां हमें ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है, शाहनामा में क्या मिलता है, ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है, ये याद रखना है। और इस जो शाहनामा है ना, इसमें हमें जामी कवि का काव्य भी देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हमने लिखवा दिया है क्या, कि शाहनामा में जामी कवि का उल्लेख मिलता है, ये याद रखना, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे चलते हैं, अब देखिए इसके बारे में दो इंटरेस्टिंग चीजें, पहली बाबर से संबंधित है, जब बाबर अपने भारत आता है ना, जब बाबर अपने भारत आया था तब वो अपने साथ एक ग्रंथ लेके आया था, और वो ग्रंथ कौन सा है, यही शाहनामा को लेकर आया था, ठीक है। इसकी दो प्रतियां हैं, समझिएगा, एक प्रति जो है बाबर लेकर आया था अपने साथ में भारत में, और वो प्रति कहाँ रखी गई है, वो प्रति रखी गई है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में, जो बाबर लेके आया था शाहनामा को वो रखी गई है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में, लेकिन जो अकबर के काल में चित्रित होती है प्रति, उसको कहाँ संग्रहित किया गया है, वो रखा गया है चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से में अंतर हो रहा है, इसलिए इनको याद रखना, ठीक है। तो शाहनामा का जो पहली जो अकबर कालीन प्रति है वो कहाँ रखी है, तो वो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में, और जो बाबर के द्वारा लाई गई प्रति थी वो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने जो बता दिया है दिमाग में छप गया होगा। अब आगे देखते हैं, घर पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वाकयात बाबरी की, समझिएगा, वाकयात बाबरी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है ये किसका फारसी भाषा में अनुवाद है, तो बाबरनामा का फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो किस नाम से किया गया है, तो वो है आपका वाकयात बाबरी के नाम से किया गया है, ठीक है। इसको कितने चित्रकारों ने और कितने चित्रों से बनाया हुआ है,
वाक्याते बाबरी या फिर कह दीजिए जिसको फारसी भाषा में बनाया गया है बाबरनामा का ही, उसमें कितने चित्रकारों ने काम किया है, चित्रण कार्य किया है और कितने चित्र मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें 48 चित्रकारों ने काम किया हुआ है और इसमें टोटल कितने चित्र मिलते हैं, तो याद रखना है 144 चित्र मिलते हैं। ठीक है, 48 चित्रकारों ने काम किया है, 48 चित्र मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और पूछा जाता है कि ये जो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया हुआ है, ये किया किसने है, किसने किया है? तो ये 1558 में अब्दुल रहीम खाना ने किया हुआ था और इसी को किसको, वाक्याते बाबरी को, बाबर को, सॉरी अकबर को इसने भेंट की हुई थी। ठीक है, किसने, अब्दुल रहीम खाना जो थे, इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किस नाम से, वाक्याते बाबरी के नाम से, और इसी को अकबर को भेंट की थी इन्होंने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है वाक्याते बाबरी को कहां पर संग्रहित किया गया है। तो संग्रह की बात करें तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसको रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दिया है, अब नेक्स्ट ग्रंथ आता है आपका, कौन सा ग्रंथ है, अब देखिए मुंतब उत तवारीख, ये नेक्स्ट ग्रंथ है आपका। इसके बारे में समझिए, बहुत पूछा जाता है ये, इसलिए हम आपको अच्छे से पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। मुंतब उत तवारीख के बारे में केवल दो फैक्ट। पहला फैक्ट है कि इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें हमें हिंदुस्तान का इतिहास मिलता है। किसका इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास मिलता है। दूसरे नंबर पे फारसी में इसका भाषा, मतलब फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद किया हुआ है वो किसने किया है, बदायूनी ने किया हुआ है। बस दो चीजें आपको याद रखनी है। मुंतब उत तवारीख जो है, इसको हिंदुस्तान का इतिहास इसमें दिया हुआ है, और फारसी में इस जो भाषा में अनुवाद किया है वो बदायूनी ने किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तैमूरनामा की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तैमूरनामा की बात करते हैं। तैमूरनामा की बात करते हैं। तो पूछा जाता है तैमूरनामा का ही दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना है आपको तारीख है खानदान तैमूरिया, इसी का तैमूरनामा का ही अन्य नाम क्या मिलता है हमें, वो मिलता है तारीख है खानदान तैमूरिया। कौन, तारीख है खानदान तैमूरिया, किसका दूसरा नाम है, तो ये तैमूरनामा का दूसरा नाम है। इसमें हमें कहाँ का इतिहास मिलता है, तो ये हमें तैमूर वंश के शासकों के बारे में बताता है ये ग्रंथ। ठीक है, आगे खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में इसको रखा गया है, किसको, तैमूरनामा को। आगे बात करें इसको किसने चित्रण का, मतलब इसमें जो चित्रण का काम किया है वो किसने किया है, तो दसवंत महोदय ने कहां पर काम किया है, तैमूरनामा में। ठीक है, तैमूरनामा में कौन सा किसने चित्रण किया है, तो दसवंत ने किया है। आगे पूछा जाता है कि तैमूर से लेकर जो अकबर काल तक का जो चित्रण मिलता है हमें वो किसमें मिलता है, तैमूरनामा में। और इसका मतलब कि तैमूर से अकबर तक का जो ये टाइम मिलता है, इसमें हमें टोटल 132 चित्र मिलते हैं। कितने, तैमूर से लेकर अकबर काल तक के कितने चित्रण मिलते हैं हमें, चित्र मिलते हैं 132 चित्र मिलते हैं। और ये कौन से ग्रंथ में मिलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है तैमूरनामा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए क्लास को सभी तक शेयर जरूर करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है। ठीक है, अभी एंड नहीं हुई है, अभी और है। चलो आगे नेक्स्ट आता है तारीख अल्फी। क्या है तारीख, अभी रिपीट भी कर देंगे, ठीक है, परेशान नहीं। तारीख अल्फी की बात करें तो इसको दुनिया का इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, तारीख अल्फी को हम दुनिया का इतिहास कहते हैं, क्योंकि इसमें दुनिया का पूरा इतिहास देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें कि मतलब इसको लिखा किसने है, तो इसको जो लिखा है वो मुल्ला शाह मोहम्मद और जफर बेग ने इसको लिखा हुआ है। किसने तारीख अल्फी को, मुल्ला शाह मोहम्मद और जफर बेग, इन दोनों ने ही लिखा हुआ है तारीख अल्फी, और इसमें दुनिया का इतिहास मिलता है। तो यहाँ से आपका जो अकबर काल का ग्रंथ था, जो तीन कैटेगरी में बटा हुआ था, हमने पूरा टोटल अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जितना ये पढ़ा हुआ है इसका एक बार सुपर फास्ट वे में रिवीजन कर लेते हैं। रेडी है सभी लोग, स्टार्ट किया जाए, बताइए जल्दी से।
और देखिए क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और सभी को बताना जरूर है कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से रिपीट करते हैं। तो अकबर काल के चित्रित ग्रंथों में ऐतिहासिक कथा पर जो चित्रण मिलता है उसमें हमें चार पांच ग्रंथ मिलते हैं, कौन कौन से? अकबरनामा, शाहनामा, वाकयात ए बाबरी और मुंतब उत्तवारी, तैमूरनामा और तवारी ए अल्फी। तो ये हमें ग्रंथ कौन से किसमें मिलते हैं हमें? तो ये ऐतिहासिक कथा पर चित्रण में मिलते हैं। अब हम बात करें अकबरनामा की, तो अकबर की आत्मकथा है इसमें, लेखक हैं अबुल फजल, तीन जिल्दों में बटी हुई है और तीन में से जो लास्ट की तीसरी जिल्द है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। और पुनः आईने अकबरी को हम पांच भागों में बांट देते हैं और वो पांच भाग जो हैं उनमें से चार भाग स्टार्टिंग के जिसमें हमें अकबर के शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है और लास्ट की जो पांचवें नंबर की है उसमें हमें अबुल फजल के जीवन के बारे में पता चलता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसमें टोटल 117 चित्र हैं जो कि विक्टोरिया संग्रहालय लंदन में अकबरनामा को रखा गया है, ठीक है। आगे इसमें एक चित्र मिलता है अकबरनामा में ही, सलीम के जन्म वाला चित्र है, इसके चित्रकार केशु हैं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट लंदन में इसको रखा गया है। इसी चित्र के छह उपदृश्य हैं। अब छह उपदृश्य के भाग कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे हम देखते हैं महल के बाहर का दान, दूसरे नंबर में महल में बरामदा में वादक, तीसरे नंबर में सलीम का स्नान, चौथा नंबर जच्चा बच्चा माँ का कमरा, पांचवें नंबर में गर्दन फुलाए मोर छत पर और छठवें नंबर में छितिस। तो ये आपका सलीम के जन्म वाला चित्र हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ग्रंथ में शाहनामा। तो इसको लिखा है फिरदौसी ने और फिरदौसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व का होमर बोलते हैं। शाहनामा में इतिहास जो मिलता है वो ईरानी राजाओं का इतिहास है और इसमें जामी कवि के बारे में भी चर्चा मिलती है। बाबर जो अपने साथ प्रति लाया था भारत में वो कौन सी प्रति थी? वो शाहनामा की ही प्रति थी और उस प्रति को संग्रहित किया गया है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। लेकिन अकबर के काल में जो प्रति चित्रण होती है, चित्रित होती है, वो कहाँ रखी गई है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में इसको रखी गई है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका पूरा? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है वाकयात ए बाबरी, इसमें 48 चित्रकारों ने काम किया है और इसमें टोटल 144 चित्र हमें मिलते हैं, ठीक है। और बाबरनामा का ये फारसी में अनुवाद है, 1558 में अब्दुल रहीम खान ए खाना इसका अनुवाद करते हैं और यही जो ये वाकयात ए बाबरी है इसका फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद ये अकबर को भेंट में देते हैं, ठीक है। आगे इसको रखा गया है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। आगे मुंतब उत्तवारी, ये जो है इसमें हिंदुस्तान का इतिहास मिलता है और इसको फारसी भाषा में बदायूनी ने किया हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तैमूरनामा की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम मिलता है वो है तारीख ए खानदान तैमूरिया और इसमें तैमूर वंश का इतिहास के बारे में बातचीत होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में रखा गया है, दसवंत के द्वारा चित्रण है और तैमूर से अकबर काल का जो चित्रण मिलता है, जो चित्र मिलते हैं, चित्र कितने हैं? 132 चित्र हैं। और तारीख अल्फी की बात करें तो ये दुनिया का इतिहास है और मुल्ला शाह मोहम्मद और जफर बेग ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। थक गए। चलिए अब बताइए क्लास कैसी लगी आपको, मजा आएगी नहीं? जो आपको पढ़ाया गया है बहुत 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 दमदार चीज पढ़ाई गई है, आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग क्योंकि समझाना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक एक चीज को बताना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जो हमने पढ़ाया है ना, अभी लास्ट की दो क्लासों में भी हमने पूरा पढ़ाया हुआ है और ये आज आपकी तीसरी क्लास है, तो हमने इन तीनों क्लासों में जो आपको इकट्ठा पढ़ाया हुआ है तो आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। अकबर के काल के ग्रंथ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, 99% इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने पूरा एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज तो पढ़ा ही दी, ठीक है। और लास्ट में नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। देख रहे हैं पसीना से लबालब हो चुके हैं। बहुत मेहनत लगती है बोलने में और बहुत सारा, ठीक है। देखिए हमारी जितनी क्लासे हैं एकदम फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना हमें एक रुपए कहीं से मिल रहा है, ना आप दे रहे हैं, ना कोई और दे रहा है, ठीक है। इसलिए
थोड़ी सी भी मेहनत अगर समझ में आती है तो आपको सभी तक शेयर करना है, बस इतना ही हम चाहते हैं, सभी तक शेयर करिए, ताकि जो हम मतलब हमारे मन में जो इच्छा है आप लोगों को पढ़ाने की, और जो हमें मतलब बिल्कुल से ललक होती है ना बच्चों को पढ़ाना है हमें, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से कहीं ना कहीं टीचर का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो योगदान होता ही है और नाम भी होता है, बस उसी एक नाम के लिए हम लगे हुए हैं आपके साथ में, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और बताना है कि जो क्लास है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए, तो फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिए फटाफट से। चलिए, जिसकी जिसको क्लियर ना दिख रहा हो वो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए,